सोशल मीडिया का मजबूत प्लेटफॉर्म कहा जाने वाला ट्विटर अब बिक चुका है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीद लिया है। पिछले कई दिनों से ट्विटर को खरीदे जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आखिरकार ट्विटर अब एलन मस्क का हो चुका है। एलन मस्क ने ये डील $44 बिलियन यानी करीब 3368 अरब रुपए में पक्की की है। 25 अप्रैल को इस एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए ट्विटर के बोर्ड्स मेंबर्स की काफी देर तक बैठक हुई। इसमें ट्विटर के 11 बोर्ड मेंबर मौजूद थे। इन सभी ने मिलकर फाइनल डील को लेकर फैसला लिया। एलन मस्क ने ट्विटर में बदलाव के संकेत दिए हैं। ट्विटर से डील फाइनल होने के बाद एलन मस्क ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ट्विटर में बड़े बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने लिखा, फ्री स्पीच किसी भी लोकतंत्र का मूलभूत अधिकार रहा है और ट्विटर ऐसा ही डिजिटल टाउन है जहां मानवता के भविष्य के लिए विभिन्न मुद्दों पर बहस होती है। मैं इसमें नई सुविधाएं जोड़कर इसे पहले से और बेहतर बनाना चाहता हूं। ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स किया जाएगा ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। अब ट्विटर पर सभी ह्यूमन को ऑथेंटिकेट किया जाएगा और बोट्स का पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा। ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है। मैं कंपनी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। इसे अनलॉक करने के लिए मैं यूजर्स का भी आभार व्यक्त करता हूं। एलन मस्क पहले ही ट्विटर में हिस्सेदारी खरीद चुके थे और अब वो पूरी तरह से ट्विटर के मालिक बन गए हैं। दुनिया भर में ट्विटर काफी पॉपुलर है और भारत में ट्विटर के जरिए वंचित समाज के मसलों को भी खूब उठाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्विटर के बिक जाने से भारत के वंचित तबके पर क्या असर पड़ेगा? क्या सबको मिलेगा ब्लू टिक? सबसे पहले अगर ब्लू टिक की बात करें तो ट्विटर ब्लू टिक देने में बहुत भेदभाव करता है। भारत में तो खासकर जाति देखकर ब्लू टिक बांटे गए, जिसके खिलाफ बहुजनों ने ट्विटर पर समानता के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया था। एलन मस्क ट्विटर पर वेरिफिकेशन के लिए जोर देते रहे हैं और उनका मानना है कि यहाँ ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके लिए बोट्स नहीं होने चाहिए और फर्जी लोग जो यहाँ पर फेक न्यूज फैलाते हैं उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। एलन मस्क के आने का मतलब ये है कि वो आने वाले दिनों में ट्विटर वेरिफिकेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन है कि किसी भी सरकारी या नागरिक पहचान पत्र से आप खुद को वेरीफाई कर पाएं और ब्लू टिक के लिए क्लेम कर सकें। यानी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ट्विटर पर हर यूजर के पास ब्लू टिक हो और फिर ये ब्लू टिक होल्डर के सेलिब्रिटीज बने रहने की कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि फिर हर किसी के पास उसका ब्लू बैज होगा। ये भी हो सकता है कि ट्विटर अलग अलग रंग के हिसाब से सेलिब्रिटी और आम नागरिकों के लिए ब्लू बैज या फिर ऑरेंज बैज या इस तरह का कोई दूसरा कलर का जो टिक है वो ले आए और सबको वेरिफिकेशन दे। फिलहाल दुनिया भर में ट्विटर के 20 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन सिर्फ 4 लाख यूजर्स को ही ट्विटर ने ब्लू टिक दिया है। यानी ट्विटर ब्लू टिक को अपनी यूएसपी बनाकर पेश करता है जो शायद आने वाले दिनों में बदल जाए। ट्विटर पर दुनिया भर में लोकतंत्र विरोधी काम करने और सरकारों के एजेंडों को पूरा करने में मदद करने के आरोप भी लगे हैं। ट्विटर पर आरोप है कि उसने फासिस्ट और नफरती जो माहौल है उसको भड़काने, उसको फैलाने वाली पार्टियां और उसके नेताओं पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। ऐसे में एलन मस्क के ऊपर ये जिम्मेदारी भी रहेगी कि वो ट्विटर की नीतियों में कुछ बुनियादी बदलाव करे। वैसे एलन मस्क ने ट्विटर एल्गोरिदम को ओपन सोर्स करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही बोट्स को भी पूरी तरह से खत्म करने का भी संकेत साफ दिया है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिले। एलन मस्क ने एक और बड़े बदलाव की ओर संकेत किया है कि ट्विटर पर अब आपको एडिट करने का ऑप्शन भी मिल सकता है। उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट किया था और एक सर्वे किया था, लोगों से पूछा था कि क्या ट्विटर पर एडिट का बटन होना चाहिए, यानी कि आप अपने ट्वीट को एडिट कर पाएं अगर उसमें कुछ गलती हो या उसमें कोई सुधार करना हो तो। इस पर उन्होंने लिखा था कि आप सोच समझ कर इसमें जवाब दें, इस सर्वे में शामिल हो, क्योंकि इसका बड़ा असर होने वाला है। तो ये एक संकेत माना जा रहा है कि ट्विटर में आने वाले दिनों में आपको एडिट बटन भी मिल सकता है। भारत में ट्विटर पर जाति भारी है। ट्विटर एक अमेरिकी कंपनी है, लिहाजा उसकी नीतियों में नस्लीय भेदभाव तो शामिल होता है, लेकिन जातीय भेदभाव को MNC उस तरह से डील नहीं कर पाती जैसी कि जरूरत है। खासकर भारत में जाति एक बड़ी समस्या है और इन कंपनियों के इंडिया हेड सवर्ण जातियों से आने वाले लोग ही होते हैं और इन लोगों पर जातीय भेदभाव करने के आरोप लगते रहे हैं। ट्विटर के पूर्व इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ तो ट्विटर पर बाकायदा एक हैशटैग ट्रेंड हुआ था कि वो कैसे जातिवाद करते हैं। ऐसे में भारत के लिहाज से हमें ये देखना होगा कि ट्विटर के इंडिया हेड क्या उन बदलावों को बिना किसी भेदभाव के लागू करते हैं जिनका दावा एलन मस्क कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें ट्विटर की इंडिया टीम पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि बहुत से भारतीयों की रगों में जाति खून की तरह दौड़ती है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि ट्विटर डिजिटल दुनिया में समानता के सिद्धांत को लागू करेगा और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली आवाजों को दबाने से गुरेज करेगा।
लेकिन एक कंपनी कारोबार करने के लिए बनाई जाती है और कारोबार का एक ही सिद्धांत होता है और वो है मुनाफा कमाना। इसलिए आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी फ्री स्पीच को मजबूत करता है या फिर मुनाफे के लिए अपनी बातों से पीछे हट जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।